ओके सो एनीबडी हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट फ्रॉम द प्रीवियस क्लास और क्लासेज एम आई ऑडिबल एम आई विजिबल, किसी का किसी तरह का डाउट हो पूछ सकते हो तो वी हैव टू स्टार्ट विद दिस टुडे, ठीक है जी हमने फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी से शुरू करना था कल जो है वो नैदर की डिवीज़न के बारे में हमने बात की थी जो रिसेंटली क्वेश्चन आया था ठीक है और अच्छा पढ़ के आए हो भाई सभी इस डॉक्यूमेंट को बिकॉज अगेन आई विल बी टेकिंग द डिबेट्स एंड कंट्रोवर्सीज जो कि जहाँ से आपसे जो सवाल हैं वो पूछे जाते हैं ठीक है उन चीजों को हम पकड़ेंगे और उनके ऊपर हम बात करने वाले हैं ओके चलिए सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन इट्स वॉट आर द फिजिकल एंड द कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमो एरेक्टस और इसकी जो फाइलोजेनिक स्टेटस है उसको डिस्कस करना है ठीक है तो तीन पार्ट्स के अंदर आपको क्वेश्चन जो है वो डिवाइड करना है पहले उसके फिजिकल करैक्टरस्टिक्स की बात करनी है कल्चरल क्रैक्टरिस्टिक्स की बात करनी है और फाइलोजेनिक स्टेटस की बात करनी है देखो इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर अगर होमो से क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैंने होमो के बारे में हर एक चीज़ बताई है ठीक है आई वॉन्ट टू सर्व दिस डॉक्यूमेंट एज एंड ठीक है कि आपको ये बहुत सारा मटीरियल नहीं था ये नहीं था वो नहीं था तो एट द एंड आपको इस डॉक्यूमेंट के ज़रिए हर एक पॉइंट मिल जाए जो कि आपके पास नहीं था या फिर जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है ठीक है तो जब आप फाइनल आंसर लिखोगे तो फाइनल आंसर के अंदर बी वाइज बी वाइज कहने का मतलब क्या है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू हैव टू स्ट्रक्चर योर आंसर ठीक है जवाब को सवाल के हिसाब से स्ट्रक्चर करना है ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली डॉक्यूमेंट के अंदर सर ने ऐसे करके स्ट्रक्चर बनाया था इतना कुछ लिखा था मुझे भी इतना कुछ लिख के आना ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे ठीक है तो बहुत सिंपल सी बात है जब आप सवाल को लिखेंगे तो सवाल के हिसाब से लिखा जाएगा ठीक है जब आप कंटेंट को देखेंगे देन दिस डॉक्यूमेंट इफ यू वांट कंटेंट देन दिस डॉक्यूमेंट इज योर एंड यॉट द पॉइंट तो आपके पास जो है वो स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन व्हाट आर द फिजिकल एंड द कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोरैक्टस और इसका जो फाइलोजेनिक स्टेटस है उसको डिस्कस करना है तो सबसे पहले हमने बता दिया कि होमो एरेक्टस आपके पास एवोल्यूशनरी लीनियज के अंदर बहुत क्रूशल स्पीशीज हैं और ये तकरीबन टू मिलियन ईयर्स अगो ये आपको दिखाई देनी शुरू हुई और आपके पास जो है वो आजकल आपकी प्रोग्रेस कैसी हुई है ह्यूमंस की उसके अंदर इनका बहुत क्रूशियल हाथ है फिर जोग्रफ़िकल डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिया ठीक है तो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ईस्ट अफ्रीका के अंदर किसने काम किया था ईस्ट अफ्रीका कैनिया के अंदर रिचर्ड लीकी ने काम किया वहाँ पे जो आपको फॉसिल मिले उसकी जो टाइमिंग थी उसकी जो डेटिंग थी इट वाज 1.8 टू 1.3 मिलियन इयर्स अगो और ये जो है वो लेक टर्काना के अंदर ये फॉसिल्स मिले थे देन तानजेनिया के अंदर एल एस पी लीकी का काम है वहाँ पे 1.6 टू 0.7 मिलियन ईयर्स अगो ठीक है तो आपके पास जो है वो ओल्ड बाई जॉर्ज के अंदर वहाँ पर मिले हैं देन साउथ अफ्रीका के अंदर आपके पास एल एस लीकी का फिर से काम है स्वास्थ्य के अंदर जो है ये मिले हैं वन पॉइंट सेवन टू जीरो पॉइंट नाइन ईयर्स अगो ये आपको अवशेष मिले हैं नॉर्थ अफ्रीका के अंदर अल्जीरिया मोरक्को ठीक है यूरोप के अंदर रिपब्लिक ऑफ जॉर्जिया सदरन ईस्ट एशिया के अंदर आपको इंडोनेशिया जावा चाइना तो यहाँ पे जो है वो इन लोगों ने रिसर्च की है और ये जो है वो फॉसिल्स इन साइट्स के अंदर आपको मिले हैं ठीक है ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे फॉसिल्स याद करने हैं जो इम्पॉर्टेंट फॉसिल्स हैं वो मैंने वेरिएंट्स के अंदर जो है वो कवर कर लिए हैं ठीक है थेके? तो यहाँ पे कहने का मतलब सिर्फ ये है जोग्रफ़िकल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये सिर्फ अफ्रीका के अंदर नहीं मिले हैं ये आपको यूरोप के अंदर मेडिट्रेन के अंदर और मेडिट्रेन के साथ साथ जो आपके पास एशियन रीजनस हैं जावा जैसे इलाके हैं वहाँ पे इंडोनेशिया में भी जो है ये आपको मिले हैं सो so, इसका डिस्ट्रीब्यूशन इट्स वर्ल्ड वाइड बिकॉज इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वर्ल्ड वाइड तो फिज़िकल ट्रेट्स के अंदर भी डिफरेंसेस मिलते हैं डेविएशंस मिलते हैं ऐसा नहीं है कि आपके पास जो है वो फिज़िकल ट्रेट सेम मिलेंगे जैसे यहाँ पे करेनियल कैपेसिटी की रेंज लिखी गई है इनकी कोई एक करेनियल कैपेसिटी नहीं है द करेनियल कैपेसिटी इवन द करियल कैपेसिटी ऑफ द होमो एरेक्टिस दैट इज़ फाउंड इन जावा इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम वट वी हैव फाउंड इन पैकिेंसेज चाइना के अंदर जो मिला है और जावा के अंदर जो मिला है दोनों के अंदर डिफरेंसेस हैं ठीक है इवन ट्रिनियल फॉसिल और आपके पास जो है वो जो स्वास्थ्यकर्न के अंदर फॉसिल मिला है या फिर जो आपके पास फॉसिल्स दैट आर फाउंड इन अराउंड द सोलो रिवर और द फॉसिल्स दैट आर फाउंड इन दॉसियाँ दे आर वेरी डिफरेंट ठीक है तो बहुत ज़्यादा डेविएशन है अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल नीच इनका डेविएशन मिलता है सो so, आपके पास जो है वो होमो एरेक्टस होमो एरेक्टस दे आर हाईली स्पेशलाइज स्पीसीज हाईली स्पेशलाइज स्पीसीज ठीक है स्पेशलाइजेशन बहुत बढ़िया हो रखी है स्पेशलाइजेशन इस कदर है कि आपके पास जो जावा है बिकॉज इट्स दी ये वहाँ पे जब इंडोनेशिया जावा के अंदर जब ये फॉसिल्स मिले जब इसकी डेटिंग की गई तो डेटिंग के हिसाब से और जो फ्लोरा और फोना मिला है उस हिसाब से वहाँ पे एवरग्रीन फ़ॉरेस्ट तब भी थे और इसके जो फ़िज़िकल फीचर्स हैं दे आर वेल टू दैट एवरग्रीन फॉरेस्ट ठीक है तो इसलिए यहाँ पे रेंज है रेंज लिखी गई है तो आपके पास जो है ये सारे फ़िज़िकल फीचर्स हैं ये सारे एडवांस्ड फीचर्स को और प्रिमेटिव फ़ीचर्स को मैंने अलग अलग करके लिखा है एडवांस्ड फीचर्स का मतलब होमो लाइक फीचर्स होमोसेपियन लाइक फीचर्स ठीक है होमोसेपियन लाइक फीचर जैसे क्रेनियल कैपेसिटी का बड़ा होना जो आपके पास क्रेनियम है उसका हाई होना जो आपके पास फोरानम मैग्नम है उनका एंटीरियरली प्लेस होना डेंटल आर्ड ज़ ज़्यादा पैराबोलिक हो जाना जो डेंटल मॉर्फोलॉजी है उसके अंदर दांतों का छोटा हो जाना क्यों बिकॉज मोस्ट ऑफ देम दे न्यू अबाउट फायर तो पका सकते थे मीट को फिर उसके बाद फीमर का प्लेटिमैरिक हो जाना जयगोमेटिक आर्क का आर्क का थिन हो जाना जाइगोमेटिक आर्क का थिन हो जाना सेजिटल क्रेस्ट का रिड्यूस्ड हो जाना पैरिटल लोब्स का वेल डेवलप्ड हो जाना वेल डेवलप्ड लैंग्वेज जो है वो बोल पाना ठीक है अब देखो इसके अंदर क्या है देर आर वेरिएशन्स ऐसा नहीं है कि सबके अंदर ऐसा मिला है देर आर वेरिएशन सेजिटल क्रेस्ट किस में किसी के अंदर ज़्यादा बड़ी भी थी किसी के अंदर ऑलमोस्ट नीचे भी जा चुकी थी जैसे चाइना मैन के अंदर द सेजिटल क्रेस्ट इट वॉज ऑलमोस्ट एबसेंट बट ऑन दी अदर हैंड इन दी जावा मैन ये जो है सेजिटल क्रेस्ट इट वॉज प्रेजेंट इट वॉज प्रनाउंसड ठीक है Similarly zygomatic arcs there is a range zygomatic arc they have become they have become thinner than the Homo habilis or they have become thinner than the Australopithecus but इसका मतलब ये नहीं है कि zygomatic arc जो है वो बिल्कुल Homo like हो गए वो thinner हो रहे हैं अभी ठीक है तो similarly femur है it platyplatymeric बन जाता है ठीक है इसकी भी range है सो प्राइमेट लाइक फीचर्स फोरहेड स्लोप कर रहा है ठीक है अभी भी स्लोप है जो आपके पास ब्रो रिजेज हैं वो अभी भी जो है वो प्रनाउंसड हैं ठीक है जो आपके पास ऑसिपिटल रीजन है वो अभी भी थोड़ा सा एंगुलर है तो ये सारे के सारे जो है वो प्रिमिटिव फीचर्स हैं प्राइमेट फीचर्स हैं ठीक है तो इसके वेरिएंट्स मिलते हैं नाउ दीज फॉसिल्स दे आर इम्पोर्टेंट वेरिएशंस को ज़रूर ध्यान में रखिएगा अगल अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं फिजिकल फीचर्स के ऊपर जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कल्चर के ऊपर दे हैव ऑलरेडी आस्क यू फाइलोजेनी दे हैव ऑलरेडी आस्क यू अब जो अगला सेक्शन खुलने वाला है ज़्यादातर एंथ्रो के अंदर ये फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर जो अगला सेक्शन खुलने वाला है वो है कंट्रोवर्सीज़ के ऊपर ठीक है और ये वेरिएंट्स के ऊपर हो सकता है कोई नए वेरिएंट के ऊपर सवाल शायद करके जो है वो कुछ पूछ लिया जाए बाकी कम प्रोबेबिलिटी है लेकिन फिर भी ध्यान में रखिएगा इन चीजों को ठीक है तो आपके पास पहली जो बात आती है होमो एरेक्टस जावानिकस और जावा मैन ये यूजिन डिबोइस ने नाइन के अंदर सोलो रिवर के बैंक से जो है वो देखा था ये फॉसिल वहाँ पे उसको एक स्कल कैप मिला था कुछ टीथ मिले थे और कुछ जो है वो फीमर बोन मिला था उसकी डेटिंग की गई तो डेटिंग से पता चला कि आपके पास पाँच लाख से लेके 1.5 मिलियन फाइव मिलियन का ये हो सकता है जावा निकल्स को होमो एरेक्टस जावा निकल्स को नीचे जो है वो बहुत अच्छे से मैंने समझाया है ठीक है तो इसके जो फिज़िकल फीचर्स के बारे में हमें पता चला वो कुछ ऐसे थे कि आपके पास जो करीनियल कैपेसिटी थी इट वाज सेवेंटी सेवन टू नाइन हंड्रेड सी ठीक है एवरेज जो निकाली जा, जा सकती है इट इज़ अबाउट एट सिक्सटी सी सी तो आस्ट्रेलोपिक से ऑब्वियसली ज़्यादा है मॉडर्न मैन से थोड़ी सी कम है थोड़ी सी क्या बहुत कम है ठीक है ये जो है वो पाँच फुट <coughs> पाँच फ़ुट लंबा होता होगा सत्तर के जी का सत्तर किलोग्राम का ये होता होगा फिर उसके बाद जो फोर हेड है वो लो था स्लान्ट था फेस था वो प्रोग प्रोग था फेस के अंदर मतलब जैसे आपके पास स्टेलोपेथिकस में है जो जॉज हैं वो काफ़ी मैसिव थे चिन जो है वो एबसेंट थी ब्रोरिज़ जो थे वो हैवी थे ठीक है जो आपके पास मोलर थे वो काफ़ी छोटे थे बट द फ्रंटल टीथ इन सीजर्स और कैनाइंस वो बड़े थे कहने का मतलब ये है कि इसकी ओमनी डाइट थी ये हंट भी कर रहता था प्राइमरली ये गैदर कर रहा था जो फेस है वो मैसिव था ठीक है और गिविंग दी हेड मोर फॉरवर्ड प्रोजेक्शन यानी कि प्रोग्रेसिज्म जो है वो था इंसीजर जो है वो शॉवल शेप्ड थे जैसे आपके पास मोस्ट ऑफ एशियन पॉपुलेशन के अंदर होते हैं इंसीजर शॉवल शेप्ड के अंदर ठीक है तो आपके पास जावा मैन के टीथ ऑन द होल वर ऑन द स्लाइटली लार्जर कुछ जो है वो आपके पास uh, मॉडर्न ह्यूमन लाइक थे जैसे इन सीजर्स उनका जो शेप था वो मॉडर्न होमोसेपियंस का जो शेप एशिया uh, के अंदर मिलता है उस शेप के अंदर थे वो ठीक है तो जावा मैन जो है ही वाज फुली कैपेबल टू वॉक ऑन इरेक्ट पोस्टर ठीक है उनके जो थाई बोन्स हैं वो प्लेटीमेरिक थी प्लेटिमैरिक का मतलब कि आपके पास प्रॉपर यहाँ पे जो है वो मार्किंग्स थी प्लेटीमैरिक प्रॉपरली राउंड बोन नहीं थी जहाँ पे मसल्स जो है वो अटैच हो सकते थे ठीक है ठीके? तो मसल्स इस तरह से अटैच थे दैट ही वॉज प्रॉपर और ही वॉज कैपेबल टू वॉक ऑन द टू लेग्स फिर अगली बात आती है थ्रेनल फॉसिल की थ्रेनल फॉसिल अगेन यूजिन इन डबोइस ने ही इसकी जो है वो खोज की और कुछ जो है वो एपलाइस कल कैप्स जो है वो यहाँ पे मिली थी इनको ठीक है और फिर उसके बाद जो है वो उन्हीं के फील्ड वर्कर ने जो है वो अडल्ट ह्यूमन लाइक एक थाई बोन एक फीमर को जो है वो एक्सकेवेट किया ठीक है और ये जो है वो आपके पास सेम उसी हिसाब से जो है वो उसी बोन बेड के अंदर इनको जो है वो मिली थी तो दोनों फॉसिल से त्रिनिल फॉसिल और जो आपके पास सोलो रिवर के अराउंड जो फॉसिल मिला था ठीक है तो दोनों रिवर के दोनों चीजों को इन्होंने जो है वो बना के बना लिया दैट इट इज योर ये जो है वो आपका जावा मैन है। द न्यू स्पीसी पैरानथ्रोपस इरेक्टस पैरानथ्रोपस इरेक्टस क्यों कहा भाई इस बंदे ने क्योंकि आपके पास इट इज द अपराइट एप मैन एप मैन कहने का मतलब क्यों है एप मैन क्यों कहा है हम लोगों ने बिकॉज आपके पास जो सारे के सारे जो फिजिकल फीचर्स हैं खास करके जो फेशियल फेशियल फीचर्स हैं दे आर लाइक एन एप ठीक है जी तो इस वजह से जो है ये बात करी गई फिर उसके बाद आफ्टर एनाटोमिकल कंपेरिजन विद अदर नॉन होमोनेड फॉसिल्स इट मेड क्लियर दैट जो जावा मैन है वो ह्यूमन ज़्यादा ह्यूमन है एप जैसा नहीं है ठीक है बिकॉज दो पैरों के ऊपर चल रहा है वैसे ही अपोजेबल थंब है वैसे ही हाथ हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर दिखावट ह्यूमन जैसी ना हो तो उसको होमो के अंदर रखोगे ही थी नहीं ठीक है तो यूज इन का ये बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है कि जब उन्होंने जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ दिखावट के चलते उसको बाहर निकाल दिया फिर उसके बाद जो है वो नंगडॉन फॉसिल की बात आती है नंडॉन फॉसिल जो है वो आपके पास होमो एरैक्टस का है और ये जो है वो ज़्यादा इवॉल्ड होमो स्पीसीज जो है वो लग रही है फॉर एंड इट इज़ फ्रॉम दी मेन लैंड ऑफ यूरेशिया एंड अफ्रीका ठीक है तो आपके पास जो है ये नंडॉन नॉन ह्यूमन फॉसिल असम्बलेज इंक्लूड्स मोर लिविंग टैक्सा दैन फाउंड द द्रिनिल ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को करने की फिर उसके बाद इट्स मच यंगर दैन द जावा मैन ठीक है काफ़ी जो है वो ये रिसेंट मिलता है फिर उसके बाद फॉसिल आ जाता है ये जो है वो अगेन थोड़ा सा ईस्ट अगर आप जाते हो नंदौन से और त्रिनिल से ये वहाँ पे जो है वो आपको मिल जाता है ठीक है वहाँ पे जो है वो एक जोवेनाइल का करीनियम मिला था और कुछ जो है वो आपके पास और जो है वो बोन्स वगैरह मिली थी ठीक है और इसको भी जो है वो होमोरेक्टस के साथ जोड़ा गया है फिर उसके बाद पैकींसिस में ठीक है और होमोपैकियंसिस ठीक है होमो पैकियंसिस, चाइना मैन सिनेथ्रोपस पैकियंसिस बहुत सारे नाम जो है वो इसको दिए गए थे तो अगेन 1920 के अंदर पैकिंग के अंदर चाइना के अंदर डेविसन ब्लैक ने जो है वो इसकी खोज की ठीक है तो यहाँ पे जो है वो आपको फॉसिल्स मिले हैं इन दी लाइम स्टोन केव नियर चौकीतिया चौकोटिन और चौकीतिया एज़ यू लाइक like, ठीक है तो आपके पास जो है वो आ, इसके जो डेटिंग uh, है वो आपको अगेन फाइव लैख टू वन पॉइंट फाइव मिलियन ईयर लोगों की मिलती है ठीक है जी तो आपके पास जो क्रेनियल कैपेसिटी है जो क्रेनियल कैविटी है इट इज़ मच मच लार्जर ठीक है और उसका अगर एवरेज निकालें इट इज़ अबाउट वन वन ज़ीरो सेवन फाइव इतनी बड़ी जो है वो क्रेनियल कैपेसिटी आपको मिली है ठीक है लेकिन जो फेस के ऊपर अभी तक चिन्ह नहीं आ पाई है द फेस इज चिनलेस ठीक है जो आपके पास ठीक है तो जावा मैन से जो है वो सिमिलर हैं क्योंकि आपके पास ब्रो रिजिस अभी भी हैं ठीक है थीके? तो आपके पास जो आ, फोर हेड है वो थोड़ा सा लो है और स्लैंडिंग बैकवर्ड ठीक है तो आपके पास जो है वो आ, तो ये माना जाता था कि आपके पास जेंटो और जो है वो मेगेंथ्र मिगें, और मेगेंथ्रोपस ये जो है ये दोनों लोग जो है दे आर रिलेटेड टू द जावा एंड पैकिंग गेप बट नाउ इट हैज़ बीन रिजेक्टेड फिर उसके बाद जोकोदिया फॉसिल अगेन पैकिंग मैन साइट है जोकोदिया के अंदर नॉर्थ चाइना प्लेन के अंदर वहाँ पे ये जो है वो आपको मिला है वहाँ बेसिकली इट्स अ हिस्टोरिकल एविडेंस ऑफ द ह्यूमन एवोल्यूशन क्योंकि आपके पास बिल्कुल जो है वो पैकिंग जैसे ही इसके जो है वो फीचर्स आपको मिलते हैं ठीक है सो वॉट आर द डिफरेंस बिटवीन द जावा मैन एंड चाइना मैन इसको एक बार देख लीजिएगा वही जो ऊपर सारी चीज़ें हमने देखी वो दोनों डिफरेंसेस हैं और ये डिफरेंसेस बेसिकली आपको ये बताते हैं कि कितनी तेजी से जो आपके पास होमो एरेक्टस है वो चेंज कर रहा है हाउ अडेप्टेड इट इज हाउ इट इज कितना ज्यादा स्पेशलाइज्ड है कितना ज्यादा अडेप्टिड है ठीक है तो आपके पास जो है दिस इज दी जावा मैन एंड चाइना मैन ठीक है जी अब बात आती है कल्चरल अचीवमेंट्स की ओके okay? तो कल्चरल अचीवमेंट के अंदर जो पहली अचीवमेंट आती है दैट इज द यूज़ ऑफ़ फायर इसने फायर को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था खास करके जो है वो कुकिंग के लिए और अपनी बॉडीज़ को वार्म करने के लिए एंड विद दिस यूज़ ऑफ़ फायर ही वॉज एबल टू गो टू मच लार्जर एक्सटेंट मच लार्जर एक्सटेंट कहने का मतलब क्या है कि आपके पास आज एविडेंसेस अब एविडेंसेस हमारे पास प्रॉपर मिल चुके हैं कि जो होमो एरेक्टस है ही वॉज मतलब उसने बहुत बड़ा एरिया जो है वो अर्थ का एक्सप्लोर कर लिया था ठीक है साइबेरिया तक पहुंच गया था रशिया तक पहुंच गया था वो ओके okay. देन उसके बाद हंटिंग सो so, हंटिंग बिग गेम हंटिंग के एविडेंसेस आपको मिलते हैं दो तरह की हंटिंग होती है स्मॉल गेम हंटिंग एंड बिग गेम हंटिंग स्मॉल गेम हंटिंग जो कि जनरली एक फैमिली ही कर लेती है या फिर दो तीन लोग मिलकर जो है छोटा जानवर मार लेते हैं खुद से देन देर इज बिग गेम हंटिंग बिग गेम हंटिंग का मतलब होता है कि आप एक टीम बनाते हो आप एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो और फिर हंट करने के लिए जाते हो और उस हंटिंग से आप जो है वो बड़ा जानवर मार के ले आते हो और देन आपके पास एक सिंपल टेक्नोलॉजी है जिसके कारण आप जो है उस जानवर को उठा के उस उसके मीट को जो है वो ट्रांसफर कर पा रहे हो फिर उसके बाद देर आर सर्टन एविडेंसिस इन चाइना दैट आर फाउंड टू बी कैनिबलिज्म कि वो उसके अंदर कैनिबलिज्म होता होगा कैनिबलिज्म कैसे होता होगा सम फ्रैक्चर्ड होमोनिड बोन्स दे आर रीडिस्कवर्ड विद इनलार्ज फोरानम मैगनम ठीक है फोरान मैगनम को थोड़ा सा इनलार्ज किया हुआ था तो हो सकता है कि कैनिबलिज्म हो, होता हो उसने जो है किसी को मार के किसी ने जो है वो खाया होगा और इवेंचुअली फोराना मैगनम के को जो है वो इस तरह से खुरेद के उससे जो है वो ब्रेन का फ्लूड निकाला होगा ठीक है तो हो सकता है ये होगा और कुछ लोग उसको इंटरप्रेट करते हैं कि हो सकता है ये कोई रिचुअलिस्टिक एक्टिविटी हो देन उसके बाद बात आती है टूल मेकिंग की इम्पॉर्टेंट टूल मेकिंग के अंदर दे हैव दी फ्लेक टूल्स दे हैव बाईफेशियल कोर टूल्स और दो तरह के ट्रेडिशंस जो हैं वो इनके अंदर मिलते हैं ओल्ड वान ट्रेडिशन मिलता है जो कि ज़्यादा अफ्रीका सेंट्रिक रहता है मेडिट्रेन सेंट्रिक रहता है और जब आप एशिया के अंदर आ जाते हो तो आपको अशूलियन ट्रेडिशन जो है वो देखने को मिलता है ओल्ड वान ट्रेडिशन ये अगेन एक पुराना ट्रेडिशन है जिसके अंदर बेसिकली आपके पास बड़े बड़े जो पेबल टूल्स हैं वो होते हैं और ये बेसिकली जो है इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड इन जोग्राफ़ी आपके पास जो है वो सिम अनस्पेशलाइज्ड सिंपल जो है वो टूल्स मिलते हैं और ज़्यादातर ये अफ्रीका सेंट्रिक रहता है अशोलियन ट्रेडिशन ओन दी अदर हैंड इसके अंदर आपके पास फ़ाइन टूल्स जो है वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं वेरी फाइन फाइनली कार्व्ड हैंड एक्सिस बट उनका साइज अभी भी बड़ा रहता है ठीक है और ये जो है वो फ्रांस से लेके इंडिया चाइना यहाँ तक जो है वो फैला हुआ है ठीक है सो दिस इज द अशूलियन ट्रेडिशन अशूलियन ट्रेडिशन का कहने का मतलब यह है कि स्प्रेड होना शुरू हो जाता है फिर उसके बाद क्या इसका सिग्निफिकेंस क्या है सिग्निफिकेंस इसलिए है बिकॉज अगेन बिग गेम हंटर ये बन चुके थे पहले इनके जो प्रिडिससर्स थे दे वर नॉट बिग गेम हंटर्स उनके अंदर सोसाइटी नहीं थी छोटी छोटी सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी लाइक फैमिली ठीक है लेकिन इन्होंने बहुत बड़ी सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाई सो दैट दे आर एबल टू हंट द बिगर एनिमल्स फिर उसके बाद इनके अंदर आग का यूज़ होना स्टार्ट हो गया तो फिर उसके बाद जो है वो मेयर uh, ये फ्रॉम बीइंग मीयर स्टोन स्क्रेपर्स ये जो है वो और ज़्यादा सिमेट्रिकल टूल्स इन्होंने बनाने स्टार्ट कर दिए ठीक है तो आपके पास धीरे 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 दे इंक्रीज़ देयर लॉन्जिविटी उन्होंने विजडम को अकमुलेट कर लिया इनका जो सिंबॉलिक स्टाइल का कल्चर है वो आगे परपैचुएट हुआ ठीक है तो आपके पास जो है वो फॉसिल एविडेंस जे सजेस्ट दैट द होमो एरेक्टस दे वर वेरी क्लेवर एज कंपेयर टू द एप डल नहीं थे ये बहुत क्लेवर लोग थे इनके पास बहुत बढ़िया जो है वो कॉगोनेटिव एबिलिटीज थी ठीक है दे वर वेरी स्किलफुल टूल मेकर्स दे वर वेरी कोऑपरेटिव गेम हंटर्स ठीक है तो आपके पास जो है वो लोअर पेल्योलिथिक एज के अंदर इन्होंने डोमिनेट किया अर्थ को ओके okay. तो आपके पास जो है वो अगेन इट केम तो द एरा ऑफ होमवर एक्टर्स इट शुड हैव केमली प्रोबेबली केम टू एन एंड इन वेयर अराउंड टू हंड्रेड सेवेंटी फाइव थाउजेंड ईयर्स अगो ठीक है बट इवेंचुअली जो है वो आपके पास तब तक जो है वो होमवर uh, जो uh, वैसे दिस डेट इट इज कंटेस्टेड ठीक है मत ही लिखना इस पॉइंट को यह काफी कंट्रोवर्शियल सा पॉइंट है बिकॉज कई ये मानते हैं कि कुछ होमो ऑरैक्टिस जो है कुछ स्पीसीज ऑफ होमोरेक्टिस बच गई थी ठीक है जैसे डेनिसोवियन मैन या फिर डेनिसोवियंस डेनिसोवियन मैन अगेन ही इज़ अ वेरिएंट ऑफ होमो एरेक्टिस और हम मानते हैं कि वो बच गए थे वो साइबेरिया चले गए थे वहाँ पे कुछ छोटी सी पॉपुलेशन रही और उस वो जो छोटी सी पॉपुलेशन है वो होमोसेपियंस के साथ मेट करी जिसकी वजह से ई पी एस वन जीन का जो एवोल्यूशन हम देखते हैं ई पी एस वन जीन जो हम जो आपकी लंग्स कैपेसिटी को इनक्रीज़ करता है जो फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी को कोल्ड uh, क्लाइमेट्स के अंदर इनक्रीज़ करता है हाई एल्टीट्यूड्स के अंदर इनक्रीज़ करता है वो ई पी एस जीन आज भी शेरपाज के अंदर मौजूद है वो ई पी एस वन जीन वाला म्यूटेशन ये होमोसेपियंस का म्यूटेशन नहीं है हम लोग तो अफ्रीका से आए हुए लोग हैं होमोसेपियंस तो अफ्रीका से आए हुए हैं ठीक है अफ्रीका में हमने क्या करना था ई वन तो बेसिकली वहाँ पे जो है बिकॉज होमो एरेक्टिस वहाँ पर रह रहे थे काफ़ी टाइम से रह रहे थे तो उनके अंदर ये जीन था और ये माना जाता है कि होमोसेपियंस और होमो जो डेनिसोवियन मैन है दे मेट विद ईच अदर तो जब मीटिंग हुई होगी तो यकीनन जो है वो आपके पास पचास हजार साल पहले या फिर ये पचहत्तर हजार साल पहले की बात हुई होगी कि ये मीटिंग हुई है बिकॉज एक लाख बीस साल बीस हजार साल पहले हम वहाँ से निकले हैं अफ्रीका से बाहर निकले ठीक है तो इट इज़ वेरी कंटेस्टेड पॉइंट कि कब एंड हुए एक्सेट्रा एक्सेट्रा कईयों का मानना है कि ये एंड जो है वो होमोसेपियन से मेट करने के बाद एंड हुए हैं कई आपके पास नई खोजें हो रही हैं जैसे ड्रैगन मैन की खोज हुई है वो बहुत ही इज़ वेरी यंगर ठीक है सिमिलरली बहुत सारी ऐसी खोजें हैं जो कि बिकॉज uh, इनका जो जोग्रफिकल जो डिस्टेंस था इनका जो जोग्रफिकल माइग्रेशन था इट वाज वेरी हाई व्या वेरी लार्ज बहुत बड़ी रेंज थी इन लोगों की तो क्योंकि इतनी बड़ी रेंज थी और इनके पास वो बायोलॉजिकल प्लास्टिसिटी थी इनके पास वो कल्चर था दैट दे वर एबल टू सरवाइव इन दैट एनवायरमेंटल नीश फॉर अ वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम और प्रॉपरली ये स्पेशलाइज हो जाते थे उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल नीश के लिए इनके पास ये काबिलियत थी चाइना मैन पूरी तरह से जो है वो चाइनीज इन्वायरमेंट के साथ जो है वो बना हुआ है उसी तरह का है ठीक है उस बॉटल नेक को सर्वाइव कर पाया जो चाइना का हार्श एन्वायरमेंट इनको देता था जावा मैन पूरा जो है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट से फॉरेस्ट के साथ जो है वो अडेप्ट इसकी बॉडी है सिमिलरली आगे जो है वो फिलीपींस के अंदर चले जाते हो ड्रैगन मैन मिल जाता है आपको जो आपके सिलेबस के अंदर नहीं है ऑब्वियसली एक रीसेंट डिस्कवरी है ड्रैगन मैन ड्रैगन मैन अगेन इट इज़ फाउंड इन केव्स केव इकोसिस्टम के अंदर ये स्पेशलाइज हो गया अब केव इको के अंदर क्या होता है यू नीड स्मॉलर बॉडीज़ यू नीड डाइक बॉडीज़ ठीक है हॉबिट लाइक बॉडीज हॉबिट फिल्म वाला हॉबिट बिल्कुल हॉबिट लाइक बॉडीज चाहिए तो बायोलॉजिकल प्लास्टिसिटी होमो एरेक्टिस की इतनी ज़्यादा है कल्चरल डेवलपमेंट इतनी बढ़िया है कि ये केव एनवायरनमेंट के अंदर भी सर्वाइव कर जाता है वहाँ पे हमें जो है वो ड्रैगन केव्स के अंदर हमें ड्रैगन मैन मिला है ही इज़ अ होमो एरेक्ट तो इतनी ज़्यादा स्पेशलाइज ये लोग जो है वो हो जाते हैं इसी वजह से इसकी पहली कंट्रोवर्सी आती है पहली कंट्रोवर्सी है कि आपके पास होमो एरेक्टस वर्सेस होमो एर्गस्टर डिबेट यह कंट्रोवर्सी बेसिकली दिस इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्कशन अमंग एंथ्रोपोलॉजिस्ट फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ होमो एरेक्टस एंड होमो एर्गस्टर कुछ लोग कहते हैं कि होमो एर्गस्टर और होमो एरेक्टस जो है वो आपके पास सेपरेट स्पीसीज होने चाहिए ठीक है तो आपके पास जो है वो द डिस्टिंक्ट एंड एंसेस्ट्रल टू दी होमो एरेक्टस बट सटलिकाटोमिकल डिफरेंसेज जो हैं वो आपके पास हैं इनके और आपके पास जो है वो होमो एरेक्टस बिकॉज वो अफ्रीका के अंदर आ गया यूरोप के अंदर चला आ गया और जो आपके पास एर्गस्ट था वो अफ्रीका के अंदर रह गया था तो पहली डिबेट ये है कि आपके पास अफ्रीकन होमो औरक्टस बिकॉज इनके अफ्रीकन होमो होमोरेक्टस जो है जो एरगस्टर हैं इनके ज़्यादा जनरलाइज्ड फीचर्स हैं जनरलाइज फीचर्स कहने का मतलब क्या है दैट ही कैन शिफ्ट टू बोथ वो आपके पास टेरिस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर भी रह सकते हैं अभी भी प्रोग्रेथिज्म है अभी भी जो है वो बोनी रिज वैसे ही हैं ठीक है लेकिन दे आर बट दे बट ही इज बाइपेडल ओन दी अदर हैंड उनके एनाटोमिकल फीचर्स कुछ ऐसे हैं दैट ही कैन क्लाइंब वेरी ईजीली ऑल्सो ठीक है अभी भी जो है वो उनकी जो आपकी ये जो अपर लिम्स हैं वो काफ़ी छोटी हो जाती हैं बिकॉज़ नाओ आपको ब्रांच के ऊपर ट्रीज़ के ऊपर चढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है आपकी जो टांगें हैं वो बहुत मजबूत हो जाती हैं थाई बोन्स बहुत प्लेटिमैरिक बहुत मजबूत हो जाते हैं नाउ दिस इज़ परफेक्ट टेरिस्ट्रियल अडेप्टशन परफेक्ट बायोपेटल अडेप्टन लेकिन एरगस्टर के अंदर ऐसा नहीं है आपके पास जो इनकी जो लोअर लिम्स हैं वो स्ट्रांग हो जाती हैं बट फिर भी जो अपर लिम्स हैं वो आपके पास पूरी तरह से लंबी रहती हैं तो एक बहुत ही जो है वो जनरलाइज्ड फीचर एरगस्टर्स के एरगस्टर के अंदर जो है वो मिलते हैं ठीक है तो आपके पास जो है वो कई लोगों का मानना है कि हम होमो एरेक्टस और एरगस्टर को अलग अलग माने। कई लोगों का मानना है कि नहीं हम जो है वो होमो एरेक्टस एफ्रीकनस बना दें इसको जो कि यूपीएससी भी करता है यूपीएससी ने भी एरेक्टस को होमो एरेक्टस एफ्रीकनस बना रखा है ठीक है तो आपके पास जो है वो बर्नाड वुड जैसे कुछ लोग लंपिंग अप्रोच अपनाते हैं कि आपके पास होमो एरेक्टस को होमो एरगस्टर को होमो एरेक्टस एवरिकनस बना दो एरेक्टस की ही सब स्पीसीज बना दो ऑन दी अदर हैंड देर आर सम एंथ्रोपोलॉजिस्ट लाइक टेटल टेटरसाल ईन टेटरसाल वो कहते हैं कि नहीं स्प्लिट करके देखो टेटरसाल का मानना बेसिकली ये है कि अगर एर्गस्टर को अलग रखोगे तो एरगस्टर इज द प्रोबेबल होम ह्यूमन ह्यूमन एंसेस्टर ठीक है तो वुड जैसे लोग मानते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है आपके पास जो है वो एरेक्टस इसको होमो एरेक्टस अफ्रीकनस बना दो बेसिकली जो एक इसके पीछे लॉजिक दिया जाता है दैट इज़ दी मल्टी रीजनल हाइपोथीसिस मल्टी रीजनल हाइपोथीसिस क्या कहता है कि एरेक्टस भाई साहब अलग अलग जो सेंटर्स के अंदर आ गए ये जो है वो यूरोप के अंदर पहुंच गया ये यूरोप वाला आगे चल के बर्जेंसिस मैन बन जाएगा और हाइडल बर्जेंसिस मैन यूरोपियन मैन बन जाएगा जिनको हम आजकल कॉकेशियन कहते हैं ये पैकि ये जो है वो पैकिंग के अंदर पहुंच गया था पैकिंग वाला जो है वो चाइना मैन बन जाएगा जो आजकल जो है वो आपको मंगलोइड लोग दिखाई दे रहे हैं तो इनका मानना है कि जो ह्यूमन रेसेस हैं जो ह्यूमन रेसेस हैं इनका औरिजन अलग है सिमिलरली होमो एरेक्टस एफ्रीकनस एरगस्टर को होमो एरेक्टस एफ्रीकनस मानने के पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि जो होमो एर्गस्टर है इसी से जो है वो अफ्रीका के लोगों का बर्थ हुआ है जो ब्लैक हैं उनका बर्थ यहाँ से हुआ है ठीक है तो इसके पीछे लॉजिक जो दिया जाता है वो मल्टी रीजनल हाइपोथिस वाला दिया जाता है बिकॉज हम इसके अगेंस्ट हैं इस तरह की क्लासिफिकेशन के अगेंस्ट हैं तो बेसिकली जो है वो टेटर साल जैसे लोग कहते हैं टैटर साल जैसे साइंटिस्ट कहते हैं कि इनको जो है सॉरी uh, टैटर साल जैसे लोग ये कहते हैं कि इनको स्प्लिट करना चाहिए इस तरह से सो so, uh, इनको स्प्लिट करना चाहिए इस तरह से बिकॉज़ हो सकता है कि जो आपके पास ये सुपर स्पेशलाइज्ड फीचर्स हैं ये आगे चल के एक्सटेंट हो जाए और जो ये एरेक्टस है वो आगे चल के होमोसेपियन के अंदर इनका डिवीजन हो ठीक है गॉट द पॉइंट समझ में आ, अच्छा ये पॉइंट किस किस, कि, किस 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 को समझ में आ गया एवरीबडी गॉट द पॉइंट भाई अगले जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो कंट्रोवर्सी से पूछे जाएंगे समझ लो अच्छे तरीके से ठीक है जी देन उसके बाद कॉगनेटिव एंड सोशल कॉम्प्लेक्सिटी बहुत सिंपल सा है जिसके अंदर थॉमस वाइन बेसिकली ये कह रहे हैं दैट ही हैज सजेस्टेड दैट द दिमिट्री एंड द प्लानिंग एविडेंट इन दशुलियन इंडिकेट्स द एडवांस्ड स्पेशल कोगनीशन एंड प्लानिंग एबिलिटीज ऑफ होमवर एक्टर्स जो इनके टूल्स है, दे आगें हैं दे आर अगेन हाईली स्पेशलाइज टूल्स हाईली स्पेशलाइज टूल कहने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो इनके अंदर इन्होंने बहुत तीखे टूल्स बना दिए हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा बट जो अशूलियन टूल्स हैं उनके अंदर बाईफेशल फ़ीचर्स मिलते हैं बाईफेशल फीचर्स मिलते हैं सिमिट्री मिलती है और वी हैव साइंटिफिक एविडेंसेस जिन चीज़ों के अंदर समिट्री बायोफेसियल टूल्स अगर ये बनाना ये शुरू कर देता है तो इसका मतलब है कि इसकी कागनेटिव एबिलिटीज़ सोशल एबिलिटीज़ वो बहुत अच्छे तरीके से बन चुकी है दे आर वेल अडेप्टड टू दी एनवायरमेंट्स दे आर वेल अडेप्टॉर दोशल कोआर्डिनेशन ठीक है एंड दे हैव हाई लेवल ऑफ कागनेटिव एबिलिटीज़ तो थॉमस वाइन जैसे लोग जो है ये चीज़ों को मानते हैं और ये काफ़ी हद तक जो है वो सही भी है बट अगेन दिस व्यू पॉइंट इट हैज बीन कंटेंडेड बाय एवरीबडी ठीक है बाकी जो इसके साइंटिस्ट हैं साथ वाले लोग हैं वो इस चीज़ को कंटेंड करते हैं कि नहीं इतना सीरियस लेने वाली भी कोई बात नहीं है ठीक है देन उसके बाद द रोल इन ह्यूमन एवोल्यूशन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सो देर इज एन ऑनगोइंग डिबेट अबाउट द प्रिसाइज एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन दी होमो होमोरेक्टस एंड द लेटर होमोरिट्स बात वही आ जाती है कि होमो ओरेक्टस जो है जितने भी हम होमो होमोरेक्टिस को स्टडी करते हैं दे हैव हाईली हाईली स्पेशलाइज्ड फीचर्स एंड दे आर हाईली अडेप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट्स। इसका कहने का मतलब क्या है कि होमो एरेक्टस के अंदर पहले माइग्रेशन होता है बहुत बड़ा माइग्रेशन होता है जिसके अंदर वो बेसिकली तीन लाख साल पहले या फिर इवन ये जो है वो दो लाख साल सॉरी ये लोग जो है वो टू मिलियन ईयर्स अगो जो है वो बाहर निकल जाते हैं स्प्रेड हो जाते हैं दुनिया के अंदर ठीक है दुनिया के अंदर स्प्रेड होने के बाद अपने इन्वायरमेंटल नीच के अंदर पहुंचने के बाद ये वहाँ पे बहुत लंबे समय तक रहते हैं कई आपके पास जो फॉसिल्स की डेटिंग है इट इज़ सो 1.5 मिलियन ईयर से लेके 5 लाख साल तक ये रहते हैं इतना बड़ा डिस्टेंस इतना बड़ा जो है वो आपके पास ये पैमाना ये लोग कवर करते हैं ठीक है तो आपके पास इतने लंबे समय तक अगर कोई एक एनवायरमेंटल नीच के अंदर रहेगा तो वो दूसरे एनवायरमेंटल नीच के अंदर बहुत तेजी से अडेप्ट कर पाएगा उनके पास कौन सा एयर कंडीशनिंग है ठीक है दे हैव ओनली एशुलन टूल्स सो दे बेसिकली हैव हाईली specialized abilities or highly special they are highly specialized for their particular environmental niche ठीक है तो आपके पास जो है वो obviously अगर कोई भी organism इतना स्पेशलाइज हो जाएगा अपने एनवायरमेंटल niche से तो हो सकता है कि उसका आगे एवोल्यूशन ना हो वो extinct हो जाए तो इसी चीज के ऊपर जो है वो ये पॉइंट है कि उनकी जो है वो पर जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स हैं बिटवीन दी होमोरैक्ट होमो लेटर होमोनिड्स लाइक हाइडलबर्जेंसिस नर्मदा मैन और आपके पास जो है वो नंद्रथाल मैन मॉडर्न होमोसेपियन इट इज़ नॉट वेरी क्लियर ठीक है तो कुछ लोग तो जो है वो इस चीज़ के हक में हैं इस फाइलोजेनी के हक में हैं कि आपके पास जो है वो पहले अफ्रीकनस बनता है फिर उसके बाद आपके पास आस्टेलोपैथिकस गर् बनता है फिर रूडॉल बनता है फिर एरेक्टस बनता है और फिर आगे चल के यही होमो सेपियन के अंदर तब्दील हो जाता है कुछ लोग इस व्यू के अंदर हैं कुछ लोग इस व्यू पॉइंट को सही मानते हैं ऑन दी अदर हैंड देर आर सम पीपल जो कि अगेन इस थ्यूरी को जो है वो सही मानते हैं कि आपके पास एक अफ्रीकनस आता है अफ्रीकनस के बाद गरही, फिर रोडोल्फेंसिस ठीक है रोडोल्फेंसिस से आगे जो है वो होमो एर्गस्टर बनता है होमो एर्गस्टर आगे माइग्रेट करता है इरेक्टस के अंदर चले जाता है एक इरेक्टस आगे एक्सटेंट हो जाते हैं और ये जो है वो आगे एरगस्टर जो है वो लेटर होमोनिट्स के अंदर तब्दील हो जाता है एंड मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट पिल भीम जैसे साइंटिस्ट हो गए वो इस व्यू के साथ चलते हैं ठीक है और जो है वो आपके पास ली रॉस क्लार्क हैं उनके जो है वो व्यूज़ अगेन यही है दैट ही वाज वेल अडेप्ट और जो है वो कल्चरल स्टेबिलिटी थी इनके अंदर पिल बीम जैसे लोग भी यही मानते हैं कि वो फायर भी यूज़ कर सकता था दांत छोटे हो चुके थे टूल्स अच्छे से वो यूज़ कर सकते थे उनकी मेमोरी साइट्स अच्छे से डेवलप हो गई थी ऑसिपिटल लोभ अच्छे से डेवलप हो गई थी ठीक है जिसकी वजह से अगेन ही हैड वेरी सुपीरियर कॉग्निटिव एबिलिटीज ठीक है तो आपके पास दीज आर द कंट्रोवर्सीज ओके देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिटिकली एवेल्युएट द कंटेस्टिंग थ्यूरीज ऑफ इमरजेंस एंड डिस्पर्सल ऑफ मॉडर्न होमोसेपियंस ठीक है बहुत सिंपल सा बहुत सीधा सा सवाल पूछा गया है तो आपके पास बेसिकली दो एफिशिएंट थ्योरीज हैं दो एमिनेंट थ्योरीज हैं जो कि ह्यूमन डिस्पर्सर को समझाती हैं द फर्स्ट इज द आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी इज आल्सो नोन एज दी रीसेंट अफ्रीकन ओरिजिन थ्योरी ये बेसिकली ये कहता है कि जो आपके पास होमोसेपियंस हैं मैं यहाँ पे रेक्टस की बात नहीं कर रहा हूँ हैबिलस की बात नहीं हो रही है किसी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे बात हो रही है बहुत सिंपली होमोसेपियंस की जो होमोसेपियंस हैं वो अफ्रीका से अफ्रीका के अंदर उनका बर्थ हुआ है और अफ्रीका के अंदर जो बाकी होमोनिड्स थे उनके साथ इन्होंने इं, इंटरब्रीडिंग की है और फिर होमोसेपियंस अफ्रीका से बाहर निकले हैं बाहर निकल के भी वो इंटरब्रीडिंग ही करते रहे हैं ठीक है थीके? तो आपके पास जो है दिस इज़ दी आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी ठीक है सो ये जो है वो हम जो है वो अफ्रीका के अंदर इवॉल्व हुए हैं एंड दे एंड नाउ वी हैव स्प्रेड आउट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रिप्लेसिंग अदर होमोरेड पापुलेशन सॉरी बाहर जाके हम जो है वो इंटरबीडिंग नहीं करते रहे अफ्रीका के अंदर हमने इंटरब्रीडिंग की है और बाहर जाके हमने उनको जो है रिप्लेस किया है दैट इज द आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी रियली वेरी सॉरी सो थर्ड थ्योरी जो आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी का नया हमने हाइब्रिड वर्जन बनाया है दैट इज इट ठीक है उसके अंदर हमने ये बात कही है कि इंटरब्रीडिंग होती थी ठीक है सो so, उस वर्जन को भी आई थिंक मैंने नीचे लिखा हुआ है ठीक है करंट अंडरस्टैंडिंग आउट ऑफ अफ्रीका विद हाइब्रिडाइजेशन मॉडल आजकल हम ये फॉलो कर रहे हैं कि हमने रिप्लेस नहीं किया वी मेड लव ठीक है। तो इसके एविडेंसेस हमें क्या मिलते हैं इसका जो फर्स्ट एविडेंस हमें मिलता है दैट इज आपके पास जो है जेनेटिक डायवर्सिटी अमंग ह्यूमन पॉपुलेशन इट इज हाईएस्ट इन अफ्रीका ठीक है तो यह क्या इंप्लाई करता है कि मॉडर्न ह्यूमंस वो सबसे ज्यादा जो है वो लॉन्गेस्ट टाइम अफ्रीका के अंदर रहे हैं एनाटॉमिकली मॉडर्न ह्यूम होमोसेपियंस ठीक है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल तिश्कोफ की स्टडी है अफ्रीकन पॉपुलेशन के अंदर और उन्होंने जेनेटिक डाइवर्सिटी दिखाई है वहाँ पे कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी है विसा विस दी अदर पापुलेशन और ये बताता है कि आपके पास कितने लंबे समय तक सबसे ज़्यादा लंबे समय तक होबोसेपियंस अफ्रीका के अंदर रहे होंगे तो ऑबियसली हमारा बर्थ भी जो है वो शायद वहीं पे हुआ होगा देन उसके बाद बात आती है फॉसल रिकॉर्ड्स की जो होमोसेपियन के सबसे ओल्डेस्ट फॉसिल रिकॉर्ड्स हैं दैट आर डेटिंग बैक टू थ्री लैक इयर्स अगो वो जो है वो मरक् के अंदर मिलते हैं आपको जो कि अगेन इसी नोशन को री करते हैं फिर उसके बाद माइटोकॉन्डियल डी एनालिसिस। इस पॉइंट को आप जो है वो मॉलिकुलर जेनेटिक्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हो मॉलिकुलर एंथ्रोपोलॉजी के अंदर भी यूज़ कर सकते हो जो माइटोकॉन्ड्रियल डी एन एनालिस हैं ये अगेन मदर टू चाइल्ड जो है वो आगे चलते हैं एंड अगेन ये भी जो है वो आपके पास आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी को बिल्कुल सही करार करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डी एन एनालिसिस के अंदर क्या किया जाता है देखिए माइटोकॉन्ड्रियल डी एन ए जो है वो आपके पास बदलता है जैसे आपके डी एन ए के अंदर म्यूटेशन होती हैं वैसे ही आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया के डी एन ए के अंदर भी जो है वो म्यूटेशन होती हैं अब बात आती है कि किसी भी क्रोमोसोम के डीएनए को जो है वो आप टेस्ट कर लो उसकी म्यूटेशन को टेस्ट कर लो तो वो जो है वो आपको पता चल जाएगा लेकिन इतना सिंपल नहीं होता है देर इज़ समथिंग कॉल्ड रिकम्बिनेशन ठीक है जो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है आप हू बहू चाहे आपके सात भाई हो लेकिन सातों भाइयों का जो चेहरा है वो डिफरेंट होगा ये क्यों होता है बिकॉज ऑफ रिकम्बिनेशन ठीक है तो बाकी जो सारे के सारे जो डी एन एज हैं या फिर जो क्रोमोसोम्स हैं वो रिकम्बाइन करते हैं बट ऑन दी अदर हैंड माइटोकॉन्डिया के अंदर एक डी एन ए होता है वो मदर टू चिल्ड्रन जाता है ठीक है ओके गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग तो मदर टू वो जो है वो चिल्ड्रन जाता है उसके अंदर जेनेटिक रिकम्बिनेशन नहीं होता है सो so ऑब्वियसली जो उसके अंदर जो भी म्यूटेशंस हो रही हैं हम उन म्यूटेशंस को ट्रैक कर सकते हैं हम दे सकते हैं कि वो जो म्यूटेशन्स हैं वो कितने कितनी जो है वो पुरानी हैं और सिमिलरली हमने उन म्यूटेशंस को ट्रैक किया है और उससे हमें ये पता चला है दैट आपके पास एक लीनियज ड्राइव हुई है और उस लीनियज से हमें ये पता चला है कि आप ये जो म्यूटेशन्स uh, हैं इनका ओरिजिन अफ्रीका के अंदर है ठीक है सो दीज स्टडीज दे ट्रेस एनसेस्ट्री ऑफ ऑल द ह्यूमन बींग्स इन टू अ सिंगल माइटोकॉन्डियल ईव और इसका जो ओरिजन होता है वो अफ्रीका से होता है एंड इट इज बिटवीन वन लैख ईयर्स टू टू लैख ईयर्स अगो कैन की स्टडी है ये ठीक है तो दिस इज द प्रोबेबली प्रोबेबली दिस इज द मोस्ट स्ट्रोंगेस्ट एविडेंस जो कि ये सपोर्ट करता है दैट वी हैव ओरिजिनेटेड आउट ऑफ अफ्रीका ठीक है देन उसके बाद आपके पास इसके क्रिटिसिज्म आ जाते हैं पहला जो क्रिटिसिज्म है वो है नियंत्रथाल एंड डेनिसोवियन डीएनए। सो द डिस्कवरी दैट द जिनोम ऑफ द पीपल आउटसाइड आउटसाइड अफ्रीका कंटेन्स अबाउट वन टू टू परसेंट नंद्र थाल एंड सर्टेन ओशियनिक पीपल जो है वो डेनिसोवियन डी जो है वो उनके अंदर है तो ये बेसिकली ये कहता है कि इंटरब्रीडिंग हुई है आउट ऑफ अफ्रीका थ्यूरी क्या कहती है रिप्लेसमेंट आपने आप जाके लड़े हो रिप्लेस किया है उन लोगों को आपने तो बेसिकली जो नियंत्र का डीएनए है आपके अंदर डेनिसोवियन का डीएनए है कुछ लोगों के अंदर वो इस चीज़ को खारिज करती है देन उसके बाद कंटिन्यूटी इन रीजनल ट्रेड्स सम एंथ्रोपोलॉजिस्ट दे आर्गू दैट द सर्टन फिजिकल ट्रेड्स आजकल की जो आपके पास नॉन अफ्रीकन पॉपुलेशन के अंदर देखे जाते हैं उनके अंदर कंटिन्यूटी मिलती है फॉर एग्जाम्पल शावल शेप्ड टीथ ये जो शावल शेप्ड टीथ हैं दे वर फाउंड इन द होमो एरेक्टस और द एशियन होमो औरक्टस एंड नाउ ये शावल शेप्ड टीथ जो हैं दे आर फाउंड इन दीन पूल ऑफ एशिया थ्रू आउट एशिया ये आपको मिलते हैं तो अगर होमोसेपियन अफ्रीका से बाहर निकल के आए और उन्होंने सारी की सारी पापुलेशन को रिप्लेस कर दिया बाकी सारे होमोनिट्स को रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास वो शावल शेप टीथ हमारे जीन पूल के अंदर क्या कर रहे हैं ठीक है सो फॉर एग्जाम्पल देर आर सर्टन फेशियल फीचर अराउंड फाउंड इन दस्ट अफ्रीकन पॉपुलेशन जो कि प्री होमिन होमोनिट जो होमोरेक्टस हैं उनके अंदर मिलते थे शावल शेप टीथ एक्सेट्रा वो आज भी ह्यूमन पूल का हिस्सा है फिर उसके बाद जो है वो डिस्पर्सल की टाइमिंग हम लोगों को पता चल चुकी है ठीक है तो आपके पास जो है सम एविडेंसेस लाइक लाइक द प्रेजेंस ऑफ द मॉडर्न होमोसेपियंस तो इन चाइना इंडोनेशिया इट डेट बैक्स टू एटी थाउजेंड टू वन लैक ट्वेंटी थाउजेंड ईर्स अगो तो ये जो है वो आपके पास टाइमिंग प्रॉपर डेट जो है वो पता चल चुकी है अगेन आपके पास इस चीज़ को चैलेंज करती है दैट हैज़ बीन और द टाइम लाइन दैट हैज़ बीन प्रपोज बाय आउट ऑफ अफ्रीका थ्यूरी ठीक है तो बेसिकली ये जो आउट ऑफ अफ्रीका थ्यूरी है इसकी दो खामियां निकल के आती हैं पहली खामी ये निकल के आती है कि आउट ऑफ अफ्रीका थ्यूरी टाइम को नहीं समझा पा रही ठीक है टाइम को जो है वो आगे चल के अगेन आउट ऑफ अफ्रीका हाइब्रिड मॉडल जो है वो समझाएगा अच्छे से ठीक है तो आपके पास जो है टाइमलाइन को ये नहीं समझा पा रही है और ये बार बार रिप्लेसमेंट की वॉर की बात कर रही है ये दोनों चीज़ें बहुत गलत हैं ठीक है थीके? फिर उसके बाद जो है यू हैव मल्टी रीजनल कंटिन्यूटी थ्योरी मल्टी रीजनल कंटिन्यूटी थ्योरी बेसिकली यही कहती है कि आपके पास अलग अलग रीजन्स के अंदर पॉपुलेशन डेवलप हुई हैं और वो पॉपुलेशन जो हैं वो आगे चल के इवॉल्व हुई हैं ठीक है थीके? सो विद द कंटिन्यूअस डीन फ्लो बिटवीन दी दीज पॉपुलेशन मेनटेनिंग देयर एवोल्यूशनरी यूनिटी कि आपके पास अफ्रीका के अंदर एशिया के अंदर यूरोप के अंदर ओशियानिक रीजन के अंदर अलग अलग होमोअ्ररक्टस थे और ये जो है वो अलग अपने अपने हिसाब से इवॉल्व होते रहे हैं ठीक है और बीच में ये एक दूसरे के साथ मेट भी करते रहे हैं ठीक है बीच में जो है वो इनके साथ जो है वो जीन पूल में मीटिंग भी चलती रही है तो कुछ ना कुछ कॉमन फीचर्स जो है वो सबके अंदर मिलते हैं लेकिन सबके अंदर जो एनाटॉमिकल फीचर्स हैं उनकी यूनिकनेस मिलती है जैसे चाइना के एनाटॉमिकल फीचर्स दे आर वेरी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अमेरिकन एनाटॉमिकल फ़ीचर्स और काकेजियन एनाटॉमिकल फीचर्स एनाटॉमिकल फ़ीचर्स दे आर वेरी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मंगलअर्ड एनाटॉमिकल फ़ीचर्स बट ऑन दी अदर हैंड सब जो है वो आपके पास एक ही कैटेगरी के हैं सेपियंस सबके जीन पूल के अंदर सिमिलैरिटीज़ हैं ये सिमिलैरिटीज क्यों हैं बिकॉज ऑफ दिस हाइब्रिडाइजेशन बार बार ये जो है वो आपस में मेट करते रहे हैं ड्यू टू माइग्रेशंस सो दिस इज द मल्टी रीजनल कंटिन्यूटी थ्यूरी ठीक है इसके एविडेंसेस क्या हैं इसके एविडेंसेस जैसे आपके पास मिलफोर्ड विलपोफ जैसे कुछ लोगों ने शावल शेप्ड इंसीजर्स की बात की है ठीक है कि वो जो है वो आज भी पाए जाते हैं तो इस वो होमोरैक्टस के अंदर भी थे और वो शावल शेप्ड इंसीजर्स आज भी पाए जाते हैं ठीक है ये बेसिकली क्या कह रहा है कि जो चाइनीज पॉपुलेशन है जो उस टाइम के ऊपर फीचर्स बने वो आज भी कंटिन्यूटी के अंदर हैं तो हम लोग ये चीज़ अकॉर्डिंग टू मिलफोर्ड विलपोफ ये चीज़ जो है वो आपके पास इस चीज़ इस तरफ इशारा कर रही है कि हमारा ओरिजन अफ्रीकन ओरिजन नहीं है हमारा ओरिजन जो है वो एशियन होमोरेक्टस से हुआ है वी आर डिफरेंट हमारा ओरिजन डिफरेंट है देन उसके बाद जेनेटिक डाइवर्सिटी सो द प्रोपोनेंट्स आरगू दैट उन्होंने ऑब्जर्व किया है दैट जेनेटिक डाइवर्सिटी इन ह्यूमन पॉपुलेशन टू सपोर्ट्स दिस आइडिया

सो फोर्टी थाउजेंड ईयर अगर आप अफ्रीका से बाहर निकलते हो डिस्पर्सल करते हो सब पॉपुलेशन को हरा देते हो तो आपकी इतनी बड़ी जेनेटिक डाइवर्सिटी बन नहीं सकती थी लेकिन जेनेटिक डाइवर्सिटी तो है ठीक है तो ये पॉइंट जो है इस चीज़ को खारिज करता है फिर उसके बाद देर आर सर्टन आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस हैं कि आपके पास कुछ टूल्स हैं कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जो कि स्प्रेड हुई हैं ठीक है थ्रू आउट द ह्यूमन पॉपुलेशन ठीक है सो so, इसका मतलब क्या है कि माइग्रेशन थी इसका बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है क्रिटिसिज्म इतना सारा है कि इस थ्यूरी को पूरी तरह से खारिज कर दिया है पहली है जेनेटिक स्टडी जेनेटिक स्टडी की बात अगर आती है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म ऑफ द मल्टी रीजनल कंटिन्यूटी थ्यूरी इट कम्स फ्रॉम द जेनेटिक स्टडीज सो मोस्ट जेनेटिक रिसर्च ये सपोर्ट जो है वो रिसेंट अफ्रीकन ओरिजन को जो है वो करती है विद द रिलेटिव लिटल इन ब्रीडिंग विद द होमो होमोसेपियन स्पीसीज सो जेनेटिक डेटा इट सजेस्ट अ बॉटल नेक इवेंट इन द्यूमन एवोल्यूशन ये जो है वो आपके पास इनकन्सिस्टेंट है मल्टी रीजनल मॉडल में नाउ वॉट इज दिस बॉटल नेक इवेंट बॉटल नेक इवेंट ये कब हुआ आपके पास जो है जब आप अफ्रीका से बाहर की तरफ आ रहे थे मेडिटेरेनियन रीजन के अंदर आ रहे थे तो ये माना जाता है दैट देयर वाज अ बॉटल इवेंट कि एकदम से जो है वो इन्वायरमेंट चेंज करने की वजह से आपके जो क्लाइमेट है वो चेंज होने की वजह से ओनली सम ऑफ दी होमोसेपियन स्पीसीज वर एबल टू सरवाइव जिसकी वजह से क्या होता है कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है इनसाइड दी अफ्रीका ठीक है होमोसेपियंस की वो बहुत वाइड हो जाती है बट आउटसाइड दी अफ्रीका उसकी उतनी विर्थ जो है वो नहीं रहती है बिकॉज ऑफ दिस बॉटल लेक इवेंट ठीक है देन उसके बाद जो है वो देर आर सर्टन फॉसल रिकॉर्ड्स जो कि बेसिकली डू नॉट सपोर्ट दी मल्टी रीजनल हाइपोथीसिस और ये जो है वो बेसिकली यही कहते हैं कि आप जो है वो अफ्रीका से बाहर आए हो देन उसके बाद आपके पास देर इज साइमल्टेनियस एवोल्यूशन ठीक है साइमल्टेनियस एवोल्यूशन का मतलब क्या है कि आपके पास एक ये जो यूनिफॉर्मिटी है ये इसी वजह से बनी है बिकॉज आपके पास जो है वो सो क्रिटिक्स क्वेश्चन द फिजिबिलिटी ऑफ दिस पैरल एवोल्यूशन ठीक है द लाइवलीहुड ऑफ द सिमिलर एवोल्यूशनरी प्रेसरस जो कि हर जगह के ऊपर हों ये जो है वो इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ठीक है तो इसकी वजह से जो है इसको खारिज किया गया है वॉट आर द भाई समझ में आ गया ना इस चीज़ को कि आपके पास अमेरिका के अंदर भी वही इन्वायरमेंट बना यूरोप के अंदर भी वही इन्वायरमेंट बना एशिया के अंदर भी वही इन्वायरमेंट बना जिसकी वजह से आपके सिमिलर एनाटॉमिकल फीचर्स बन गए हैं तो इन चीज़ों को जो है वो खारिज किया ठीक है तो ऐसा कुछ जो है वो अगेन इट इज़ नॉट वैलिड ठीक है प्रैक्टिकल नहीं है ऐसा कुछ सो so, आपके पास जो है अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो बेसिकली हमें ये मिलता है कि आपके पास जस्ट इसको रीड कर लेना मैं सीधा कंक्लूजन के ऊपर क्योंकि आज काफ़ी कुछ करना है कंक्लूजन के ऊपर आता हूँ तो बेसिकली आजकल जो मॉडल चल रहा है वो चल रहा है आउट ऑफ अफ्रीका विद हाइब्रिडाइजेशन मॉडल वो बेसिकली आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी को जो है वो सपोर्ट करता है कि हाँ बिल्कुल हम अफ्रीका से बाहर आए हैं अफ्रीका अफ्रीका में ही होमोसेपिन का जन्म हुआ है लेकिन हम अफ्रीका से बाहर आके किसी को हमने मारा नहीं किसी को हमने कूटा नहीं हमने किसी के साथ जंग नहीं की अगर जंग हुई भी है होती है जैसे ह्यूमन सोसाइटीज़ में होती रही है होती होगी बट ऑन दी अदर हैंड वी ऑल्सो शेयर वी हैव इंटरब्रिड विद ईच अदर ऑल्सो हमने बाकी स्पीसीज़ के साथ इंटरब्रीडिंग की है ठीक है तो उसकी वजह से जो है वो हमारा जीन पुल और ज़्यादा स्ट्रेंथन हुआ है ठीक है उसकी वजह से डेनिसोवियन डीएनए आजकल भी ओशियनिक होमोसेपियंस के अंदर है जो आपके पास न का डीएनए है वो आज भी इंडियंस के अंदर है एशियंस के अंदर है नंदर का डीएनए अफ्रीकन अफ्रीकन पॉपुलेशन के अंदर नहीं है क्यों क्योंकि अफ्रीका से आप बाहर निकले न आपको यूरोप के अंदर मिले तो आप बाहर फिर से वापस नहीं गए हो फिर आगे गए हो आप जिसकी वजह से ये पॉपुलेशन के अंदर एशियन पॉपुलेशन यूरोपियन पॉपुलेशन इंडियन पॉपुलेशन ओशियनिक पॉपुलेशन इनके अंदर आपके पास जो है यू हैव दैट नंदरथाल्स डी एन बट अफ्रीकन पॉपुलेशन के अंदर नहीं है ठीक है तो बेसिकली यू हैव दिस आउट ऑफ अफ्रीका विद हाइब्रिडाइजेशन मॉडल ठीक है दैट इज इट देन द नेक्स्ट क्वेश्चन यूरोपियंस आर क्लोजर टू न्स क्रिटिकली डिस्कस विद द व्यू क्रिटिकली डिस्कस द व्यू ऑफ अफ्रीकन ओरिजन ऑफ ह्यूमन काइंड ठीक है अब देखो आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी क्या कहती है कि आपने नियंत्र को मार दिया जो यूरोप के अंदर आज होमोसेपियंस बैठे हैं वो नियंद्र को मार के फिर उसके बाद जो है या वहाँ पे यूरोप के अंदर इस्टेब्लिश हुए हैं ठीक है थीके? तो जो आपके पास आउट ऑफ अफ्रीका ओरिजन थ्यूरी है या फिर आउट ऑफ अफ्रीका मॉडल है वो इस बात इस बात को कहता है व्यू पॉइंट देता है ठीक है तो बेसिकली इसी के ऊपर जो है वो आपने इसी व्यू पॉइंट को जो है क्रिटिकली डिस्कस करना था और यहां पे बताना था कि आपके पास जो है वन टू टू परसेंट जो है वो डी एन ए थाल का यूरोपियंस के अंदर है क्योंकि इंटरब्रीडिंग हुई है ठीक है तो अगेन थोड़ा सा इसको जो है मैंने वाइडली डिस्कस किया है इसके कुछ एविडेंसेस देखे हैं दैट यूरोपियंस दे आर क्लोज़र टू नंद्रथाल और कुछ जो है वो उसके क्रिटिसिज्म देखे हैं ठीक है तो पहला एविडेंस जो है वो आपको ये मिलता है कि नंद्रथाल का डीएनए मॉडर्न यूरोपियंस के अंदर है ठीक है वन टू टू परसेंट डी जो है वो मैक्स प्लैक इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूशन ऑफ एवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी वो साफ साफ इस बात की पुष्टि करता है दैट वन टू टू परसेंट ऑफ़ डी एन ए ऑफ नंद्रथाल इट इज़ इन ऑल द नॉन अफ्रीकन पॉपुलेशन इंक्लूडिंग द यूरोपियन डिसेंट पॉपुलेशन और यूरोपियन पॉपुलेशन के अंदर ये थोड़ा सा ज़्यादा रहता है ज़्यादा क्यों रहता है बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंट नियंद्र थाल जो है वो आपके पास अस्सी हजार साल तक अस्सी हजार साल तक यूरोप में बैठा रहा है तो ऑब्वियसली उनका जो जीन पुल है इट इज उनका उनके जो जीन्स हैं दे आर मच अडेप्टेड टू द कोल्ड क्लाइमेट्स ऑफ यूरोप रादर देन दी होमोसेपियंस जो कि अफ्रीका से बाहर निकल के आते हैं ठीक है तो यूरोपियन एनवायरमेंट्स वो नियंत्रथाल डी एन ए को फेवर करते हैं ठीक है सो विद परसेंटेज स्लाइटली हायर अमंग द यूरोपियन डिसेंट पीपल हम हमारे अंदर भी हो सकता था अगर हम ठंडे क्लाइमेट में रहते ठीक है फिर उसके बाद एविडेंसिस ऑफ इंटरप्रिटिंग 2014 के अंदर यह स्टडी नेचर के अंदर पब्लिश हुई थी कि आपके पास इंटरब्रीडिंग हुई है इंटरब्रीडिंग कैसे हुई है बिकॉज बोथ ऑफ द स्पीसीज दे को एग्जिस्टेड ईच अदर द क्लासिकल नियंदरथाल एंड होमोसेपियंस दे को एग्जिस्टेड ईच अदर शानीदार केव्स के अंदर एविडेंसेस हैं कि दोनों दोनों जो है वो एक ही केव के अंदर रहते थे फिर उसके बाद देर आर सेलेक्टिव एडवांटेजेस ठीक है रिसर्च पब्लिश हुई थी अमेरिकन जर्नल ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स के अंदर 2016 में वहां पे साफ साफ ये बात कही गई कि आपके पास जो है नॉन अफ्रीकन एनवायरनमेंट्स के अंदर जो ठंडे एनवायरनमेंट्स हैं उनके अंदर जो नियंत्रथाले देवर वेल well अडेप्टेड और वही अडाप्टेशन जो है वो नियंत्रथाल जीन आपको देता है यूरोपियन पॉपुलेशन को दे रहा है देन इस चीज का क्रिटिसिजम है ठीक है तो आपके पास देखो इस चीज को आपने पूरा कर दिया अब दूसरा साइड क्रिटिसिज्म इस चीज का सो अ कम्प्रीहेंसिव स्टडी दैट इज लेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इन 2020 दे एनालाइज द जीनोम वाइड डेटा इन डाइवर्स नॉन अफ्रीकन पॉपुलेशन इट फाउंड दैट द नयंद्र डीएनए इट इज शेयर्ड हेरिटेज अमंग ऑल द नॉन नॉन अफ्रीकन होमोनिट्स इंडिकेटिंग मोर ग्लोबल डिस्पर्सल ऑफ द न्येंद्र कि आज कल जो हमा, हम हमारा जो एक व्यू है कि नयंद्र शायद मोस्ट प्रोबेबली ये ईरान तक पहुँचे होंगे ईरान से शायद ये आगे तक नहीं जा पाए बिकॉज क्लासिकल नंद्र का जो हम डिस्पर्सल देखते हैं वो हमें पचास हजार साल पुराना मिलता है शानीदार केव्स के अंदर मिलता है मैक्सिमम सिक्सटी थाउजेंड का भी हमें कई बार मिल जाता है बट मोस्ट प्रोबेबली फिफ्टी थाउजेंड का हमें मिलता है ठीक है तो ये जो है वो हमें मिलता है इन शानीदार केव्स और इसको हमने जो है वो माना है कि इसके बाद जो है वो हो सकता है दैट देयर वॉज एन एक्सटेंशन इवेंट और इस एक्सटेंशन इवेंट के अंदर नंद्र जो है वो मारे गए बट जो रिसेंट 2020 के अंदर ये जो स्टडी पब्लिश हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर स्टडी उन्होंने जो है पब्लिश की है वो साफ साफ ये इंडिकेट कर रही है दैट हमारी जो नॉलेज है रिगार्डिंग दी रेंज ऑफ नंदर वो अभी लैग कर रही है वो लैग कैसे कर रही है तो इन्होंने कुछ जो है वो अगेन दे हैव क्लेम्ड कि नियंत्र जो है वो ईरान से होते हुए फिर आगे रशिया के अंदर गया ऑब्वियसली तब रशिया नहीं होता होगा बट इसकी नियंत्र की और डेनिसोवियन मैन के मेटिंग के एविडेंसेस मिले हैं इन द केव्स ठीक है रशिया के अंदर तो आपके पास जो है नियंत्र की रेंज कितनी थी उसके बारे में हमें पता नहीं है देन उसके बाद प्रेजेंस ऑफ नंद्रथाल डी एन ए इट इज़ नॉट लिमिटेड टू यूरोपियंस ये आप बाकी पॉपुलेशन के अंदर भी चला गया फिर उसके बाद जो है वो ईस्ट आगे इंटरब्रीडिंग हुई जेनेटिक इंटरमिक्सिंग हुई वही बात है फिर उसके बाद ईस्ट अफ्रीकन पॉपुलेशन ईस्ट अफ्रीकन पॉपुलेशन के अंदर जो है वो कम होने की वजह सबसे इम्पॉर्टेंट वो ये है डायल्यूजन इफ़ेक्ट डाइल्यूशन इफेक्ट का मतलब क्या है कि आगे चल के जब होमोसेपिया जाते हैं तो डेनिसोवियन मैन के साथ मेट करते हैं बाकी और पॉपुलेशन मिलती हैं जिसकी वजह से जो आपके पास नियंत्रथाल का डी है उसकी प्रपोर्शन थोड़ी सी कम रह जाती है ठीक है तो आपके पास जो है वो रिसेंट अफ्रीकन जीन फ्लो सो फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज़ बिलीव्ड दैट द अफ्रीकन पॉपुलेशन हैड अ लिटल और नो न डी एन ए बट जो है वो सेल मैगजीन के अंदर ये स्टडी 2020 के अंदर पब्लिश हुई थी कि आपके पास जो है वो अफ्रीकन पॉपुलेशन के अंदर भी नंद्रथाल का डी जो है वो प्रेजेंट है ठीक है सो दीज आर सर्टन क्रिटिकली एनालिटिकल पॉइंट्स फिर उसके बाद जो है वो हमारी आज की अंडरस्टैंडिंग क्या है आज की अंडरस्टैंडिंग वही है कि आपके पास स्टडीज़ अभी भी एक्सप्लोर कर रही हैं कि ये माजरा क्या है ठीक है कि आपके पास जो नंद्रथाल डी जीन का क्या इम्पैक्ट जो है वो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर हुआ है अगेन जो भी कोविड के अंदर स्टडीज हुई वो स्टडीज जो है वो इसी चीज के ऊपर फोकस थी ठीक है भाई गॉड द पॉइंट बातें समझ में आ रही हैं सबको एवरीबडी गॉड द पॉइंट भई हाँ या ना में जवाब दे दो ठीक है सो सो फॉर द ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है अगर आपको बाकी जो लेक्चर है वो देखना है तो आप ऐप के ऊपर आ जाइए वहाँ पे जो है वो आपको लेक्चर मिल जाएगा ठीक है जी चलिए चलिए थैंक यू वेरी मच